देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहली खबर महोबा से है, जहां 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित 2022 कार्यक्रम में व्यापारियों को आमंत्रित करने के लिए कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर आपत्तिजनक बयान दे डाला और कहा कि अखिलेश यादव को आज जिन्ना याद आ रहे हैं, कल वो ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं या देश का राष्ट्रपुरुष भी बता सकते हैं। याद आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो आज जिन्ना याद कर रहे हैं, कल ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं या इस देश का राष्ट्रपुरुष बता सकते हैं। सर मानी चाहिए, जो इस प्रदेश का मुखिया रहा हो, इस प्रदेश इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो रहा हो, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अपनी मेहनत की कमाई तो थी नहीं, पिताजी की कुर्सी दी हुई कुर्सी पे आ गए, उन्होंने कुछ किया नहीं, वीडियो गेम ट्विटर फेसबुक पर अपना पूरा 5 साल निकाल दिया और प्रदेश को गुंडे और माफियाओं के हवाले कर दिया कि 4 जिला ये माफिया चला रहा है, 4 जिला ये माफिया चला रहा है, और उनके लिए केवल उनका परिवार और उनका गांव सैफई तक सीमित था। आज उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां क्रिश्चियन ग्राउंड में अखिल भारतीय कठेरिया समाज सम्मेलन का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष विपिन कठेरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कठेरिया समाज को जागरूक करने और सम्मेलन में शिरकत करने के लिए कठेरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु दयाल पहुंचे, जहां उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि आज कठेरिया समाज को हीन भावना से देखा जाता है और हमारे प्रदेश में कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन हम खुले मंच के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके प्रमाण पत्र कठेरिया समाज से बनाए जाएं, ताकि इस दौरान सम्मेलन में शामिल लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस के जमकर धज्जियां भी उड़ाई। और आपको बता दें कि बिना मास्क लगाए रैली में लोग शामिल हुए थे। वो तो तय हो जाए, वक्त में हाल तय होता है। आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर विपिन अरुण सभी पूरे लोग हैं। अब बात आगे की क्या होगी वो तो भविष्य जाने, अभी नहीं कह सकता। आगे बदलाव भी हो सकता है? नहीं, बदलाव की बात नहीं करी, क्या करेगा तो वक्त बताएगा। आज हम कैसे कहते हैं इस बात को, जिस तरह से आपने घोषणा की थी कि अब की बार वोट नहीं बिकेगा, क्या बाकी में वोट कटरी समाज का वोट बिकता था? नहीं, वो अभी विपिन ने जो बात कही थी ना कि लोग कहते हैं हमारे भट्टा पे काम करते हैं, दारू से दे देंगे, पूजा से दे देंगे, बात से दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी दारू से न दौलत से न किसी से नहीं बिकेगा वोट, वोट जब चाहेंगे तहाँ वोट पड़ेगा। नहीं, वहाँ भी कोई मास्क नहीं लगा था, शायद आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आप बेहतर बना सकते हैं कि क्यों क्वेश्चन नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, यहाँ सभी लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सबको आज़ादी है, समाजवादी पार्टी में आज़ादी नहीं क्वेश्चन करने की। हम लोग सब जगह सवाल करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे 21 तारीख को समाजवादी पार्टी की रैली हुई थी तब कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। ठीक है, इस मैनपुरी की सरजमी पे कोई भी पॉलिटिशियन आएगा, अगर मीडिया कवरेज करा जाएगा तो सवाल भी करा जाएगा, मीडिया के लिए सारे नेता एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोग सोचते हैं, समाजवादी के लोग सोचते हैं कि हम लोग मोदी मीडिया हैं, आप लोग कहते हैं कि हम समाजवादियों से डरते हैं, उनकी बाइट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबसे पूछ सकते हैं, आपने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, दिखता दिख रहा है पूरे प्रदेश में अभी जो है जो सावधानी बरती जा रही है। वही मऊ में घोसी ब्लॉक के सौलीदीनपुर ग्राम सभा में विद्यालयों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सौलीदीनपुर ग्राम सभा से पूरा मामला सामने आया, जहां कब्जेदारों ने विद्यालय की जमीन पर कब्जा करके जो जमीन बच गई उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दर्जनों स्कूल में कब्जा हो चुका है, कब्जेदारों की दबंगई के आगे अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि लोगों से बातचीत की जा रही है तो दबंगों के द्वारा उन्हें के साथ गाली गलौच भी की गई। हाँ बताइए, क्या क्या मामला है? मामला है कि जहाँ से नपी थी वह इधर भी छूटा है, उतना सीधा उधर भी एक दो लट्ठा छूटा है, यही कमी है। किसने नपवाई इसकी जमीन की आपके? पहले भूत वर्तमान प्रधान पहले मोती यादव थे, संतोष यादव, उसने नपवाया था जब भी हुए तो उसके साथ क्या सरकारी अमला भी आया था? उसके साथ लोकपाल कानून में भी आए थे जी। हाँ, उन्होंने जमीन नाप करके चिन्हित किए थे
फिर खुंटा लगा था, फिर खुंटा उखाड़ करके लिख दिया गया। अच्छा, जब प्रधान इसको बाउंड्री मरवाने जा रहे थे तो लफड़ा हो गया, ठीक ना, लफड़ा करा करके रोक दिया गया। और उसके बाद तो अब जब ये प्रधान हुए तो अपना तो किसकी जमीन है उधर वाली जो है वो उधर की बाल गोविंद और इनकी है रामाधार और राधे की, और इधर है जो नए साल का आगाज हो गया है, नए साल का लोगों ने स्वागत किया है। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में लाखों की तादाद में पहुंचे भक्तों ने लक्ष्मी स्वरूपा माता विंध्यवासिनी का पूजा अर्चन कर उनका नमन किया। विश्व को प्रिय और विश्व को अपने मन के अनुकूल करने वाली माता रानी से सबकी मनोकामना पूरी करने की कामना की गई। माता के दर पर हाजिरी लगाने वालों के बाद भक्तों को यह विश्वास है कि नया साल मां की कृपा से कुशलता पूर्वक बीतेगा। जगत जननी के धाम में दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। आशीष जी कहाँ से आए हैं, आज कौन सा पर्व है? आज तो झारखंड से आ रहा हूँ, विंध्याचल माँ का दर्शन करने आया हूँ, और आज नया साल है, माँ से आशीर्वाद लेने, कृपा बनाए रखे हम सब पे, यही मांगने आया हूँ। कैसा लग रहा है विंध्याचल आकर? भीड़ भी होगा? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। सुबह गंगा स्नान करके सीधा माँ के चरण पे आया, और सबकी मनोकामना पूरा करे यही मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? गायत्री पांडे। गायत्री जी आज कौन सा पर्व है, कौन सा दिन है? आज साल का पहला दिन है जिसमें कि 2022 की शुरुआत हो रही है, और यही उम्मीद के साथ माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने हम लोग आए हैं कि साल की शुरुआत अच्छी हो, पिछले सालों की तरह ना हो, जिससे कि जो पिछले साल घटनाएं घटी वो सब इस साल में ना हो, यही उम्मीद। हाँ, दर्शन बहुत अच्छा लगा जी। क्या नाम है आपको? हमारा पंडित सुनील कुमार दुबे। पंडित जी बताइए कि आज कौन सा पर्व है और काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे? आज 1 जनवरी 2022 लगा हुआ है, और माता के दरबार में अनेकों जगहों से लाखों श्रद्धालु आकर माता का दर्शन कर रहे हैं, और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो जिसकी कामना कर रहे हैं माता उनको पूर्ण करती है, इसीलिए सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं। हमारा नव वर्ष मंगलमय हो, इसीलिए माता सब श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस व आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थाना जनकपुरी इलाके के जिला अस्पताल इमरजेंसी के सामने दो दुकानों से अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 3 तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आबकारी इंस्पेक्टर SK शर्मा ने बताया कि पकड़ी गई शराब शहर के पॉश इलाकों में सप्लाई की जानी थी। इसमें हमें मुखबिर से सूचना मिली थी, कोई एक ग्रोह है जो सक्रिय है, ख़ास तौर से जो है जो शहर की जो प्राइम लोकेशन है उसमें जो है, उसमें ये सूचना थी कि बाजोरिया रोड पे दो दुकानें हैं, एक कान्हा जनरल स्टोर और दूसरा नीरज लाइट हाउस, कि इन पे दीपक विजय और अजय नाम के व्यक्ति हैं, वो बाहर की शराब की बिक्री करते हैं, और नए वर्ष पर इनकी जो है पूरे शहर में जो है अच्छी प्लानिंग है कि इसको पूरे शहर में जो है वितरित किया जाए, हरियाणा की शराब की सूचना थी। तो पुलिस और आबकारी दोनों ने संयुक्त रूप से आज दबिश दी, दबिश में जो है उनकी दोनों दुकानों से रिकवरी हुई, इसके बाद उनकी जो है घर की तलाशी ली गई, तो घर से भी उनके बाहर की शराब। कन्नौज के मोहल्ला छिपट्टी में बीते 24 घंटों से लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, जहां पर मीजान के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कार्रवाई कर रही है। कल सुबह 7 बजे से ही आयकर विभाग की टीम पम्मी जैन के आवास से लेकर पेट्रोल पंप तक छापेमारी कर रही है। वहीं फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कल्याणपुर पुलिस और SOG टीम की संयुक्त टीम में एक ATM कार्ड और ATM मशीन से धोखाधड़ी कर रुपए निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि संयुक्त टीम ने 4 शातिर अपराधियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। शातिर अपराधियों के पास से 2 तमंचा, 4 कारतूस, विभिन्न बैंकों के 21 ATM कार्ड और कैश भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी दी। थाना कल्याणपुर और SOG की टीम ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो नए तरह का काम करते थे, ATM में जा करके
अपने परिजनों का मोबाइल फ़ोन एटीएम कार्ड ले करके जाते थे, उस पर पैसा डलवाते थे और फिर वो एटीएम से पैसा निकालते थे तो अपने किसी तरीके से उसको हैक कर देते थे। पैसा जैसे निकलना होता था उस समय उसको रोक देते थे ये, और एटीएम के द्वारा मैसेज बैंक को ये जाता था कि पैसा निकल गया, लेकिन पैसा निकलता नहीं था और फिर वो पैसा ये खींच लेते थे और वहाँ होता था कि ये पैसा निकला नहीं है, फिर दोबारा क्लेम करके एप्लीकेशन डाल करके और वो पैसा दोबारा बैंक से अपने खाते में डलवाते थे। इस प्रकार एक पैसे को ये दो बार निकालते थे, तो इनसे 90,000 रुपया नकद बरामद हुआ है और 21 की संख्या में एटीएम कार्ड जो इनके संबंधित लोगों के परिजनों के हैं वो बरामद हुआ है। शातिर गैंग है ये, सभी चकेरी कानपुर के रहने वाले हैं। इसमें से एक अजय नाम का जो है, अजय कुमार वर्मा, ये पहले भी इसी तरह के केस में जेल जा चुका है एटीएम से संबंधित फ्रॉड में, और इनके और क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम पता कर रहे हैं। फरीदाबाद के लहडौला गांव में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को एक नहीं बल्कि तीन डंपरों ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि हादसे के बाद तीनों डंपर चालक डंपरों को लेकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस और खनन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंत्री और पुलिस पर मिलीभगत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा गया कि मंत्री और पुलिस की मिलीभगत के चलते जमुना से अवैध खनन जो हो रहा है उस वक्त चल रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपी डंपर चालकों के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज करने की कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है जी आपका? पूर्व सरपंच राजाराम लंडोला। राजाराम जी, एक महिला की डंपर से कुचला है, महिला की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, औरत का घर है वहाँ पे महिला का, और गोबर डालने जा रही सुबह 6:30 बजे और डंपर तेजी से आ रहे हैं और एक डंपर ने तो कुचली दी, उसके साथ तीन डंपर लगातार उसे निकालते ऊपर से निकालते चले गए। क्यों, कोहल ज्यादा था या वजह क्या था? कोहल नहीं था जी, लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही। वो इस तेज इसलिए है जी, मामला चोरी का है। अच्छा, खनन चोरी से जाता है। तो कहाँ से क्या ला रहे थे? मंझावली से रेता। रेता ला रहे थे? हाँ जी। खनन तो बंद पड़ा है सर? नहीं, खनन बंद पड़ा, चोरी से निकल रहा है ना, खनन चोरी से निकाल रहे हैं। हाँ जी। और भी कोई इसमें घायल बताया जा रहा है कि वो? इसमें पार्षद है जी, स्थानीय पार्षद सुरजीत अधाना, वो मुश्किल ही बचे हैं। ये लंडोला गाँव है, टिगाँव एरिया का, और यहाँ पे कोई 6:20-6:30 के आसपास की जो घटना बता रहे हैं कि महिला अपने घर से जो है गोबर उठाने के लिए आई थी और बहुत तेज़ रफ्तार के अंदर जो डंपर था तो उसने इसको कुचल दिया और साथ में एक और घायल हुए जो यहाँ मौजूदा यहाँ के जो पार्षद हैं तो वो भी इसके अंदर जो हैं घटनाग्रस्त हुए हैं और वो फर्स्ट एड के लिए जो है हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो उसी के लिए वहाँ पे भी टीम भेजी गई है कि उनसे कोई क्लू मिल पाए। बाकी हमने यहाँ पे फुटेज वगैरह है, जहाँ से रास्ते से भी है, हमें जो है कुछ डंपरों की फ़ोटो मिली हैं तो उन्हीं को वेरीफाई किया जा रहा है और टीम इसमें लगी हुई है और साइबर की भी हेल्प ली जा रही है ताकि मोबाइल लोकेशन से भी ये फटाफट इसका जो है पता लग सके कि कौन सा डंपर था, कौन सा चालक था। वहीं देवरिया में बीते शुक्रवार को हर साल की भांति इस साल भी पंकज ग्रामीण सेवा की ओर से वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंकज विश्वकर्मा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामपुर कारखाना के ब्लॉक प्रमुख त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी रहे। दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ हरिकेश विश्वकर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया है। खेलकूद में प्रतियोगियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए, साथ ही 200 गरीब महिलाओं को कंबल का भी वितरण किया गया है। आयोजक पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। वहीं बुलंदशहर में नुमाइश रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नगर पुलिस व जीआरपी पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। खबर बांदा से है, जहां पर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद देश में साल 2022 का स्वागत सभी ने खुशियों के साथ किया है। साल 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की भयानक यादों से निकलकर लोगों ने एक दूसरे को नए साल के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही उम्मीद जताई है कि आने वाले साल में इस महामारी से छुटकारा मिल पाए।
देश में लगभग सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू या नए साल के जश्न को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन घंटा बजते ही आतिशबाजियों के नजारे भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। वहीं इसी बीच पुलिस की तरफ से भी खास मुस्तैदी देखने को मिली। ये 31 दिसंबर / 1 जनवरी की रात है, इसमें नवयुवक वर्ग में अति उत्साह में घटनाएं दुर्घटनाएं उनके द्वारा की जाती। इसी परिप्रेक्ष्य में आज बांदा नगर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों के सामानों की भी चेकिंग की गई, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित होने पावे। किस प्रकार के नियम थे आज? ये था कि शराब पी करके वाहन न चलावें। वहीं बदायूं में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर बदायूं पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लोगों ने समस्याएं सुनी, संवाद कर जन समस्याओं को सुना गया है, जिसमें से कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। भूमि विवाद से संबंधित मामलों के लिए राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से काम करने के लिए निर्देशित किया गया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने मंच से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहे गए अपशब्दों के बाद से लगातार देश में सियासत गर्मा गई है। इन्हीं सब विवादों के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सामने आकर कहा था कि कालीचरण महाराज के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार भी किया था। अब गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। बजरंग दल के लोगों ने हाथों में फोटो लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जो है ये प्रदर्शन नहीं है, ये वास्तव में जो हिंदू नौजवान है उनका रोष है, और रोष इस बात का है कि ये हो क्या रहा है देश में। अभिव्यक्ति की आजादी केवल अवैसी मुनव्वर राणा जैसे लोगों को है, या फिर उनको है जो कहते हैं कि पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में सब कुछ खत्म कर देंगे। अगर कालीचरण महाराज जी ने कोई स्टेटमेंट गांधी जी के लिए दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, गांधी जी कह दिया, जी शब्द लगाना भी मुझे नहीं लगता उचित है, क्योंकि जो देश विभाजन का कारण हो उसको कैसे राष्ट्रपिता मान लें। दूसरी बात, ये हजारों लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है जिस सनातन धर्म में हम लोग जी रहे हैं, तो क्या भगवान राम से पहले गांधी आए थे? जो भगवान राम को अपमानित करते हैं उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता? उनके ऊपर इंटरेस्टेड जाके पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं करती? मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से। और हाँ, कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, हिंदूवादी हूँ, इस नाते उन्हें बता देना चाहता हूँ, जो कालीचरण जी के लिए वो मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उनको गलत शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि जो आप सभी मीडिया बंधु हैं उन पत्रकार हाउस के, उनको कहीं हिंदू आक्रोश का सामना करना पड़े, क्योंकि वो पूज्य संत हैं और सनातन धर्म में संत सर्वोपरि है, सर्वोपरि थे और सर्वोपरि रहेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, सीधी सी बात है, जिस कानून के तहत कालीचरण जी महाराज को छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से अपहरण करके ले गई, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश पुलिस को, वहाँ के DGP को और मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ की उस पुलिस के ऊपर और वहाँ की व्यवस्था के ऊपर एक मुकदमा लिखना चाहिए किसी व्यक्ति को अपहरण करने का। ये कौन सा तरीका है आपका? अगर आपको गिरफ्तार करना था तो आप विधिवत आते ना, विधिवत आप लेके जाते, लेकिन आपने अपहरण किया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर 2022 का लोगों ने स्वागत किया है। उल्लास और उमंग ने ठंड को भी दूर भगा दिया, उत्साह ऐसा कि बीते साल का डर गायब हो चुका था। हर कोई बस नए साल के लिए इबारत लिखने के लिए उत्सुक था। दिलों की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। शहर के का दिल सेंटर पॉइंट पर कुछ अलग सी ही रौनक ही देखने को मिली है। चेहरों पर मुस्कुराहट ये बयां कर रही थी कि एक जंग जीत कर नई उड़ान भरनी है और नए साल में एक नई कहानी लिखनी है। सर, गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है, चाहे वो स्टाफ हो या फिर कस्टमर्स हों। कोई कस्टमर्स जो मास्क वगैरह नहीं लाते हैं तो हम उन्हें मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं। पूरी तरह से कोशिश है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए अच्छे तरीके से, और सरकार का जो ये फैसला है वो काफ़ी सही फैसला है नाइट कर्फ्यू का। एक कहावत है इंग्लिश में, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम अगर प्रिकॉशंस लेते हैं कोविड के अगेंस्ट तो वो बेटर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2021 हमारे लिए अप्रैल से ही बहुत थोड़ा दुखद पूर्वक रहा,
बट मैं सबसे आशा करना चाहूँगा कि 2022 बिल्कुल इसके विपरीत जाए और पूरा साल हम अपने परिवार वालों के साथ खुशहाल रह के मनाएं। इसके लिए बस हमें जो गाइडलाइन फॉलो करनी है, जैसे कि मास्क लगाना, थोड़ी दूरी बनाकर रखना, और सरकार ने अब ये भी डिसीजन ले लिया है कि रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू जो लग रहा है उसका भी हम मतलब पूरी तौर से पालन करें, यही मैं सबसे कहूँ। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।